मास्टर जीसस, ये फोटो देख के ही आप देख सकते हैं। और उनके जो ये देख रहे हैं आप, एक हार्ट चक्रा पे रेड कलर का हार्ट का सिंबल, ये किस चीज का प्रतीक है, कोई बताएंगे? हार्ट चक्रा। जी सरोज जी, प्यार, प्रेम, लव, जी लव। प्यार। यस, अगर आप लोगों ने मेरा कोई सेशन किया होगा इस अबंडेंस से रिलेटेड, मैजिक का रिलेटेड, तो हम लोगों ने उसमें जाना कि लव सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन का चीज है। तो इनका दिखा रहा है कि हार्ट चक्रा इतना ज्यादा ओपन है और हार्ट चक्रा से एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो मास्टर जीसस का एक ये है उनका। अब चलते हैं उनके टीचिंग पे कि सत्य के बिना कोई स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्रता, जो अभी हम लोगों ने बात की कि हम स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी दिन को जो सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे एक ही होती है कि हमारी किस चीज से फ्रीडम। अच्छा, तो फ्रेंड्स, सत्य के बिना जैसे कि कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो सत्य क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। एक सत्य होता है, बचपन से हमने किसी से सुना और उसे मान लिए, शायद वो सत्य नहीं है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ उस सत्य की बात बोला जा रहा है जो कभी नहीं झुठला सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ वो है। तो सत्य और फ्रीडम, यहाँ पे जो दो चीज बताई जा रही है वो है आजादी है खुद के जंजीरों से। हम जो जन्म जन्म से जो बिलीफ में हैं, हम जो अपने लिए धारणा बनाए हुए हैं कि हम ये शरीर है, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो बंधी हुई, जैसे कि आप भी अभी बोल रहे थे, रोक टोक का बात बोल रहे थे, तो ये सबसे आजादी, आजादी कोई और आपको नहीं दिलाएगा, ये आजादी आपको खुद को जब मिलता है। और ये आजादी कैसे मिलती है? आत्मज्ञान से। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस धरती पे, क्यों आई हूँ इस धरती पे, अपने पर्पस को जानना, ये है सही मायने में आजादी। आजादी ये नहीं है कि लोग हमें कुछ ना बोले, लोग हमें रोके टोके, नहीं। लोग का सब कुछ जो है, जो बताते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी वो है सही मायने में जो आपको आपके ही बंधनों से आजाद करे। हम बंधे हुए खुद के ही सोच से, खुद के ही विचारों से, शिकायतों से, ब्लेम से, कंप्लेन से, हमें इन सब चीज से जो आजाद होता है वो होती है खुद के बारे में जानना, वो ही रियल आजादी है। जब हम ये जानते हैं कि हु एम आई। नेक्स्ट टीचिंग पे चलते हैं। यू बिकम लाइफ योर सेल्फ, तुम अपने जैसे बनो। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करता हुआ एक फोटो है कि जीसस गौतम बुद्ध के ड्रेस पहने हुए। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये एनिमेटेड है। तो ठीक इसी तरह हम दूसरे को देख के हम सोचते हैं हम उसके जैसे बने, हम उसके जैसे बने, काश मैं इसके जैसे होता होती। तो ऐसा नहीं है। आप एक चीज नोटिस करिए, हमने कितने सारे गुरु, कितने सारे लोगों को भी अगर आप देखें, राम है, कृष्ण है, ओशो है, महावीर है, जीसस है, कोई किसी से मिलते हैं, सबका अपना एक यूनिकनेस है। अगर हम बोलेंगे कि भगवान मतलब एक कोई कैटेगरी है कि ऐसे होना चाहिए, आप राम को कैरेक्टर को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण पूरा उल्टा उसके, मास्टर ओशो उनका भी एकदम डिफरेंट यूनिक वे है। तो हम सबका अपना यूनिकनेस है, हमें उसे फॉलो करना है, हमें हमारे जैसा बनना है। मैं रूप, मैं अपना बेस्ट उसको निखार के बाहर लाऊं। सरोज, आप अपने बेस्ट को निखार के बाहर लाए। शकुंतला जी है, जो भी हम ये सोचेंगे कि उसके जैसा मैं बनूं, उसके जैसे कॉपी करूं, तो ये नहीं, आपको अपना बेस्ट सेल्फ को निकालना है और ये आपको ही जानना होगा, कोई और आपको नहीं बता सकता इसके बारे में। नेक्स्ट है, ईश्वर के पास बार बार जाओ। अब इस बात का क्या मतलब है, या क्या समझेंगे अगर हम सब सुने एक बार, तो आपको क्या लगेगा कि इस बात का क्या मतलब है कि ईश्वर के पास बार बार जाओ? हम सोचेंगे हमें हर दिन मंदिर जाना चाहिए,
हर दिन भगवान के भोग लगाना चाहिए, हर दिन माथा टेकना चाहिए। लेकिन ये वही बात है फ्रेंड्स कि हम मास्टर जी से हमें जो ये टीचिंग दिए हैं वही चीज है कि एक बच्चे को बताने के लिए उसके भाषा में बताए हैं, लेकिन क्या है, ईश्वर कहाँ है? हर कण में है, हर कण में है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। तो मेरे अंदर है तो मुझे बाहर कहाँ जाना है? अपने अंदर जाना है। और वहीं पे हमें बार बार जाओ, जब मौका मिले तब जाओ। ऐसा नहीं है कि सुबह 45 मिनट्स का मेडिटेशन कर लिए, पूरा दिन का कोटा हो गया। आपको जब समय मिले, नींद आ रही है, योग निद्रा चला के सो जाइए। रात को थोड़ी थकान फील हो रही है, आंखें बंद कर ले, सांसों पे ध्यान दे। कहीं खड़े हैं, वेटिंग लिस्ट पे है, बैठ जाए अगर टाइम है तो, नहीं तो सांसों को देखते रहे। इस तरह से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सांसों को देखें। हम क्या करते हैं, बाहर बाहर फोन में देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, चलो किसी को कॉल ही लगा लेते हैं, दो चार बात ही कर लेते हैं, वो बात फिर एक घंटा फेसबुक ही देख लेते हैं, और फिर हाय क्या कपड़ा पहनी है, ये क्या तरीका है। तो हम ऐसे कमेंट्स, जजमेंट्स, ये सब में रह जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमें ईश्वर के पास बार बार जाना है। बाहरी ईश्वर कहीं नहीं है, हमारे अंदर में हम जो ईश्वर तत्व है अंदर जाना है। और आप सबको पता है कैसे जाना है, अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, आंखें बंद करना है, दोनों हाथों को क्रॉस करना है, बहुत इजी। तो हमें इस ईश्वर का बार बार जाना है, इस बात का मतलब ये है। नेक्स्ट जो वो बोल रहे हैं, प्रभु के पास जाओगे तो जल्दी प्रभु के राज्य में प्रवेश मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है, एक मिनट आप लोग चिंतन करिए, क्या हो सकता है? प्रभु के पास जाओगे तो जल्दी प्रभु के राज्य में प्रवेश मिलेगी, क्या मतलब हो सकता है इस बात का? फिर से वही, प्रभु के पास जाओगे मतलब प्रभु के राज्य। प्रभु का राज्य क्या है फ्रेंड्स? हम सोचते, बहुत लोग इस बात को सोच रहे, जब जीसस ने एक बात कहा तो वहां के लोगों ने, उस समय जो लोग थे वो सोच रहे थे बाहर से कुछ बदलाव आएगा, वो लोग वेट कर रहे अब हमारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का राज्य आने वाला है। बाहर से शायद कुछ ऐसे रोशनी आएगी, कुछ चेंज हो जाएगा, जिससे हमारी एक दिन में रातों रात हमारी सारी दुख दर्द प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा, हम प्रभु के राज्य में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम अंदर जाएंगे, अंदर जाते 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 हर बार हम ध्यान में जुड़ रहे हैं अपने अंदर, वो शून्य अवस्था में जितना ज्यादा टैप करेंगे हम उस अवस्था को जान पाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, आत्मज्ञान, वही अवस्था को पाना, जानना, वो है प्रभु का राज्य। प्रभु का राज्य कोई बाहर नहीं, आपसे दूर नहीं, आपसे अलग नहीं, वो एक अवस्था है जो से हम सब पा सकते हैं और हम सबको पाना ही है। इसीलिए हमारा इस मनुष्य शरीर में हमारा जन्म हुआ है। जो हम बोलते हैं ना कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, क्या है कि वो कॉन्शियसनेस क्या है वो हम समझते हैं ध्यान में। कभी कभी ऐसा होगा आपकी रियलाइजेशन वो होगी, मैं कौन हूँ, क्या मेरा पर्पस है, और आप जैसा क्राइस्ट समझते थे जीवन के बारे में, उनकी जो धारणाएं थी, वो जो लोगों को बताना चाहते थे, वो आपको एज इट इज समझ में आ रही है, अब वो आपकी समझ बन गई। तो वो है आप क्राइस्ट कॉन्शियसनेस को टैप कर रहे हैं, आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्रभु का राज्य कहाँ है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? यस, अपने भीतर जी। तो इसे हम कैसे पाएंगे? ध्यान जी, हर दिन प्रभु के राज्य में पा जाना है, प्रभु का राज्य को पाना है, हमें हर दिन अपने अंदर जाना है,
प्रभु से बार बार मिलना है, ये जो पहला पॉइंट है, ईश्वर के पास बार बार जाओ। तो हमें बार बार जाना है। अब आप लोग जानते हैं किस तरह से बार बार जाना है और किस तरह से हम जा सकते हैं। यस, और उसके बाद इसमें एक पॉइंट और था, यही जो मैंने कहा, और आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। तो इस बात का भी मतलब बस हम लोग सुनते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि जो भगवान का, परमात्मा का, जो भी आप नाम दे, वो जो राज्य है, धन संपत्ति है, जो भी आप बोल सकते हैं आपके हिसाब से, स्वर्ग जो भी है, वो सब हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। पहले भी हम लोग इस चीज को सुने हैं, या आप लोग समझे होंगे कि जो हम लोग बोलते हैं स्वर्ग और नरक, हम लोग सोचते हैं शायद हमारे कर्मों के हिसाब से हमें स्वर्ग मिलेगा, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें नरक मिलेगा। और बचपन में तो हम लोग इतना सुनते थे कि नरक में आपको फ्राई किया जाएगा तो हम लोग ऑलरेडी इन सब चीजों से बहुत डरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग और नरक हमारी मन की स्थिति है। अगर आप इस पल खुश हैं, आप स्वर्ग में हैं, अगर आप इस पल दुखी हैं, तो आप नरक में हैं। तो शरीर के साथ ही आप स्वर्ग और नरक को पा सकते हैं, रहते हैं, उसको जीते हैं। तो आप अपना देख लीजिए, आप स्वर्ग में हैं या नरक में हैं। और स्वर्ग में रहना है, स्वर्ग को एंजॉय करना है, स्वर्ग में जाना है, प्रवेश करना है, तो उसके लिए हमें फिर से बार बार ईश्वर के पास जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग दीन है वह लोग धन्य है, क्योंकि उनको मिलेगा प्रभु का राज्य। फिर से पढ़िए इसको, कोई मेरे लिए पढ़िए एक बार फिर से। जो लोग दीन हैं वह लोग धन्य हैं, क्योंकि उनको मिलेगा प्रभु का राज्य। तो इस बात से क्या समझ में आ रहा है, एक बार बताइए। मैं एक बार सबसे समझना चाहती हूँ, जो लोग भी शेयर करना चाहें, इसका क्या मतलब है? जो लोग दीन है, इस बात को सुनने में कहाँ है, माँ जी बोलिए। हाँ बोलिए है माँ जी। थैंक यू सो मच दीदी, गुड इवनिंग। जो लोग दीन है यानी जिनके अंदर दया है, भाव है, वो हर किसी के हेल्पिंग का नेचर रखते हैं, उनको हमेशा सब अच्छा होता है उनका। जो लोग क्या बोले, दीन है, जो दयावान है। ओके, और कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? जो मन के सरल हैं। ग्रेट ग्रेट, यस फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट रखा। तो जो लोग दीन है वह लोग धन्य है, क्योंकि उनको मिलेगा प्रभु का राज्य। एक बार सुनने में ये लगता है कि जो लोग सिर्फ गरीब है, सिर्फ नहीं उन्हें किंगडम मिलेगा, प्रभु का राज्य सिर्फ उन्हें मिलेगा। यहाँ दीन मतलब वो गरीब नहीं बोल, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, पर शेयर करने के बाद। यहाँ दीन मतलब वो बोल रहे हैं जो अहंकार रहित है, जिनका घमंड नहीं है। हमें कितनी चीजों का घमंड होता है, मैं तो करोड़पति हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगलो है, मैं खूबसूरत हूँ, अपना रंग का हमारा गुमान होता है। अपने आप को म्यूट कर सबको। तो हम ऐसे जो होते हैं, हम, मैं जो हम रहते, कितने ज्यादा हमें ईगो होता, हम उस ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं। आज आपको कोई भी कुछ बोल दे, मुझे उसने ऐसे कैसे कहा, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो हमारे अंदर बहुत सारे चीजें, हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं चीजों के प्रति, क्योंकि हमें डर लगता है। तो प्रभु के राज्य में उन्हें मिलेगा, जो लोग दीन है वह लोग धन्य है, क्योंकि उनको मिलेगा प्रभु का राज्य। मतलब जो सरेंडर में है, जिनके मन में तू मैं जेलेसी ब्लेम कंप्लेन ये सब से वो ऊपर उठ चुके हैं, उनको मिलेगा प्रभु को राज्य। तो यहाँ दीन मतलब इसे बता रहे हैं, अहंकार रहित अवस्था, जो हम बोलते हैं ना हमारे विकार्स,
जो हमारे विकार से हम ऊपर उठते हैं, हमारे विकार आप लोग सब जानते हैं, जेलेसी, लोभ, मोह, माया, शिकायत, ब्लेम, कंप्लेन, ये सब से जब हम ऊपर उठते हैं तब हमें मिलता है, एक झलक मिलती है प्रभु की राज्य, और जब हम उसको जीने लगते हैं तब हम उस राज्य के में रहने लगते हैं। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं स्वर्गवासी हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं स्वर्ग में रह रही हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ अब कि मैं प्रभु का राज्य में मैं रह रही हूँ। तो ये अवस्था तब आप भी बोल सकते हैं जब आप उस स्टेट में रह पाते हैं, तब ये चीज है कि हम प्रभु का राज्य में रहते हैं। किसी को कोई अगर बीच में लगे तो आप है ना हैंड रेस करिएगा, तो हम लोग उस पर क्लियरिटी में थोड़ा सा समझ लेंगे, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए। मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे कि आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में चीजों को सिखा सकूँ, समझ सक सिखा क्या शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मास्टर जीसस, बच्चे बनो फिर मेरे किंगडम में प्रवेश करोगे। तो बच्चे कैसे बनना है, फिर से मम्मी के पेट में जाना है क्या सबको? क्या ये बोल रहे हैं कि हमें फिर से अपने एज को रिवर्स करना है तब हम लोग किंगडम में प्रवेश कर सकते हैं, वो जो ईश्वर के किंगडम में? क्या लग रहा है ये सुन के, क्या ऐसा है हमें बच्चे बनना है? किस तरह से बच्चे बने, बच्चों जैसी हरकत करनी है, खेलना है, कूदना है? जी पद्मा जी शेयर करें। मन से बच्चे बनेंगे ना तो प्रवेश कर पाएंगे। क्या क्वालिटीज हमें अपने अंदर लानी है? निर्मल मन करना पड़ता है, कोमल बनना पड़ता है, सॉफ्ट एंड क्लियर हार्ट होना पड़ता है। जैसे बच्चे अनजान रहते हैं सारी चीजों से। ग्रेट, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, कोई भेदभाव नहीं, प्योरिटी। यस, तो ये जो है बच्चे कैसे होते हैं, हम बोलते हैं ना बच्चे ईश्वर के रूप होते हैं, और उसके बाद क्या होता है जब हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं, हम शैतान बन जाते हैं, हम ईश्वर के रूप में नहीं रहते हैं, ऐसा क्या होता है? क्योंकि बच्चे जब हम होते हैं हम किसी को जज नहीं करते, सब क्यों एक समान होते हैं हमारे लिए, कोई से हमें लग रहा है मार रहे हैं, दूसरे ही पल जाके उससे गोदी में चढ़ रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। बच्चे किसी को ये नहीं करते ये काला है, गोरा है, ऊंच है, नीच है, उसके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे मास्टर जीसस हमें ये बोल रहे हैं, बच्चे जैसी मन वापस से उस अवस्था को पाना। तो उस अवस्था को हम कैसे पा सकते हैं, जब हम ये सब चीजें छोड़ देंगे जो हम लोगों ने समाज से ली है, जो भी हम जैसे जैसे अपनी डिविनिटी को खोते चले गए और लेते चले गए, कंपैरिजन, कंपटीशन, क्लास में फर्स्ट ही आना है अदरवाइज मैं कुछ कम हो जाऊंगा, मैं कुछ कम हो जाऊंगी। और बहुत ही दुख की बात है, अनजान वश हमारे अपने ही इस बिलीफ को हमारे अंदर डालते हैं बचपन से। इसीलिए कहा जाता है सही पेरेंटिंग जानना सीखना बहुत जरूरी है एक बच्चे को दुनिया में लाने से पहले। तो हम इस तरह से बच्चे से हमारी डिविनिटी को खोते चले जाते हैं, तो वापस से उस डिविनिटी को ओन करना और जो जो हम लोगों ने लिया है बिलीफ बाहर से उसे छोड़ते जाना कि क्या है, मैं जैसी हूँ परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप में यूनिक हूँ, और अपने आप के साथ खुश रहना। बच्चों को देखते हैं उसको ज़रूरत होता है क्या उसको कि कोई बाहर से आए तो ही वो खुश हो, वो अपने आप में खेलता है, वो एक चद्दर से ही खेलने लग जाता है, कुछ एक लाइट की रोशनी से खेलने लग जाता है, हर टाइम उसको बस ये रहता है खेलना, खुश रहना, खिलखिलाना जब तक उसको भूख ना लगे। तो फ्रेंड्स इस अवस्था को हमें पाना है, ट्रांसपेरेंट। यस, बच्चों की अवस्था बहुत सुंदर, और ये एक थेरेपी भी होती है बच्चों के साथ, जब हम टाइम स्पेंड करते हैं हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, आप देखेंगे कि आप तुरंत हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। एक हंसता हुआ बच्चे को देख के हमारा मन करता है कि हम सब गोद ले ले, उसे प्यार करें, क्योंकि एक उसकी ऑरा में वो एक होती है जो हमें उसकी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो लोग शोक करेंगे उन्हें सांत्वना जरूर मिलेगी। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगी, जो लोग शोक करेंगे
उन्हें सांत्वना जरूर मिलेगी। इस बात का क्या मतलब? कि हमें रोना है, रोना धोना करना है, तो हमें सांत्वना मिलेगी, ईश्वर का दर्शन होगा, हम खूब बैठ के रोएंगे, खूब करेंगे कि भगवान आप मुझे आज दर्शन दे दे, मेरे सवालों का जवाब दे दे, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, इस बात का जवाब चाहिए ही चाहिए। कितना भी रो लीजिए, कभी आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत लोग हैं जो ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीवन, सबके लाइफ में ये एक पल आता ही आता है जब हम बहुत दुखी होते हैं, सब चीज से उब जाते हैं, तब हम बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो यही क्या ये सुनने में वही लग रहा है कि जो लोग इस तरह के रोएंगे धोएंगे उन्हें परमात्मा जरूर मिलेगा, सांत्वना जरूर मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ जो शोक करने का बात हो रहा है वो है, मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, पैसे हैं, रुपए हैं, गाड़ी है, रिलेशनशिप है, फिर भी एक होता है ना, ये वो बोल रहे हैं शोक करना, मतलब मुमुक्ष की अवस्था, जब आप अपने आप को जानने के लिए तड़प आपके अंदर एक होगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ धरती पे, मुझे जानना है। खाली ये नहीं कि बस किसी का सुन के मुझे ये जानना है, जब आपके अंदर से वो प्यास, एक होता है आप पानी पी रहे हैं और एक होता है जब आपको पानी की बहुत जोर प्यास लगी है, तो वो चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, जब आप उस चीज के लिए आप एकदम तड़प आपके अंदर एक जागृत होगी, मुझे तो अब जानना ही है, बाकी सब चीज एक जगह। और बहुत बार आपने देखा होगा बहुत लोगों को जिनके जीवन में बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है उनके लाइफ में, फिर भी वो असंतुष्ट रहते हैं, उन्हें लगता है लाइफ में कुछ कमी है, लाइफ में वो मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नहीं जाने, आत्मज्ञान की अनुभूति उन्हें नहीं हुई है फ्रेंड्स। तो जब ये सवाल उठती है और जब उस सवाल उठेगी तब आपको आंसर भी मिलेगी, तो आपको जरूर सांत्वना मिलेगी, मतलब आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। जब आप उतना पानी के लिए आपको प्यास होगी तो आपको जरूर पानी पिलाया जाएगा। तो इस बात का मतलब ये मास्टर जीसस बताना चाहते हैं कि हम सबके अंदर ये प्यास तो जगे, अभी हम इतने उलझे हुए हैं कि हर छोटी छोटी चीजों को लेके हम इतने दुखी हैं, इतने शिकायत में हैं, इतने सोच में हैं, अभी हमें फुर्सत ही कहाँ कि हम इस पे भी ध्यान लाएं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। थोड़ी इसीलिए हुआ है, कभी आपने सोचा बैठ के, क्या सुबह उठे हर दिन के जैसे नहाना धोना किए, हर दिन के जैसे हम चले गए बस खाना खाए, ऑफिस गए आए खाना खाए फिर सो गए, दूसरे दिन फिर सेम रूटीन, क्या आपको ये जन्म इसके लिए मिला है सिर्फ संघर्ष करते रहे? कभी एक बार थम के अपने आप को ये सवाल जरूर करें फ्रेंड्स, जब आपके अंदर ये सवाल उठेगी तो आपको रास्ता भी जरूर मिलेगा। नेक्स्ट जो उनका टीचिंग के जो लाइन है, प्रभु पापियों को प्रेम से माफ करते हैं अगर वो प्राश्चित करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्रिश्चियन लोग में ये एक प्रथा है, जब वो कन्फेस करते हैं अपनी जो उनको लगता है उन्होंने जो गलतियां की हैं, वहाँ एक होता है कि वो जाके अपनी गलतियों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रथा अगर ऐसा है, क्या आपको लगता है कि भगवान अगर है तो भगवान को कुछ पता नहीं होगा आपकी गलतियों का? अगर आपने कोई गुनाह किया है, कुछ गलत किया है, क्या उनको पता नहीं होगा? क्यों जरूरत पड़ता है उन्हें जाके बताने का, क्यों कन्फेस करना है? क्योंकि आप अगर इसे थोड़ा सा गहराई से समझें, कन्फेस करना मतलब जब आप बोल रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं अपनी बातों को, और जब आप बोल रहे हैं कि मेरे से ये गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिल्ट में डालना है, आपको गिल्ट में आना है, इसका मतलब ये है कि आप जागरूक है। एक जागरूक इंसान जान सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और आप उसके बीच का डिफरेंस कर सकते हैं। तो अपने आप को बिना जजमेंट के, बिना लेवलिंग किए कि ये सही है ये गलत है, सिर्फ एज इट इज चीजों को देखना,
कि चलो ये चीज मैंने ऐसे किया, ये शायद सही नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसे ऐसे नहीं, अब ऐसे करूं, बेटर वे में करूं। तो फ्रेंड्स, जब हमें अपनी ही गलतियां, अपनी ही डार्कनेस दिखाई देने लगती है, ये है जागरूक अवस्था। तो इस अवेयरनेस को बढ़ाने की प्रैक्टिस में, ये हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हमारी जागरूकता बढ़ती है। और फ्रेंड्स, सिर्फ आंखें बंद करके बैठना ध्यान नहीं है, ध्यान है अवेयरनेस, जागरूकता, आप अपनी ऊर्जा क्षेत्र के प्रति, आप अपने शब्दों के प्रति, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, हर चीज की आपको जागरूकता होने लगेगी धीरे धीरे। तो कभी आपको जेलेसी फील हो रही है, गिल्ट में न आए, बस अवेयरनेस, हाँ मुझे जेलेसी फील हो रही है। तो ये है यहाँ पे, ये जो बोल रहे, कन्फेस करना, प्राश्चित करना, अपने आप से ये स्वीकार करना, मुझे जेलेसी हो रही है। तो ये हुआ कन्फेस करना। इसमें ये नहीं कि तुम सही हो गलत हो, हम इंसानी शरीर में हैं, कुछ भी इमोशंस आ सकते हैं, इसको देखना और इससे ऊपर उठना, ये है हमारा, जो हमें पाना है, जहाँ हमें पहुँचना है। तो फ्रेंड्स, इस बात का यही मतलब है, हमारे अंदर जो भी नेगेटिव सो कॉल इमोशंस है, जो हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं किसी और के लिए, खुद के लिए, बस उसे देखना है, मेरे अंदर ये इमोशंस है, ये है। जैसे मान लीजिए हम अपने घर का झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाएंगे तो आप बोलेंगे, अरे झाड़ू क्यों लगाया है, इतना गंदा दिख रहा है। गंदा तो है, अब आप साफ कर रहे हैं इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। आपको जब भी कुछ आपके अंदर दिख रहा है, आपको पता चल गया कि मुझे इस पर काम करना है, ये मेरा एरिया है जहां मुझे हील करना है अपने आप को, तो ये है कन्फेशन। नेक्स्ट है क्या, क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाओगे। हम लोग फॉरगिवनेस का बहुत सुनते हैं फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी में सबसे जो शुरुआत होती है, बेसिक जो है, वो है फॉरगिवनेस। जब तक हम पीछे की जो हमारी, जो हम ढोते आ रहे हैं, जो भी बैगेजेस है, जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए आप पहाड़ की ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, जिन्होंने ट्रैकिंग किया है, कभी इस तरह का कोई ट्रैवल किया है, आपको आइडिया होगा कि एक पल ऐसा आता है, लगता है कि सब कुछ छोड़ दे, अपने कपड़े भी हल्के पहन ले, बैग्स में कुछ ना हो, कभी कभी ऐसा होता है एक वाटर बॉटल लिया हुआ बैग भी भारी लगने लगता है। तो हमें छोड़ते जाते हैं तब हम लाइट फील करते हैं। ठीक इसी तरह हमें अगर अपने पूर्णता को पाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें ये जो बैगेजेस है, किसी के लिए शिकायत है, मैं तो उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो इन सबको आपको छोड़ना होगा। कैसे, हमें दूसरे को माफी इसलिए नहीं देना है कि जा तुझे मैं माफ करता हूँ, ऐसे नहीं है। आपको फ्रीडम मिले, आप शांति से रह सके, इसलिए शायद उस इंसान को पता ही नहीं आप उससे गुस्सा है, आपके उनके कारण आपको लग रहा है हर टाइम आप कूद रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, लेकिन हर टाइम आप जल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, किसी और के लिए नहीं, खुद को। और कितना बार हमसे जब गलती हो जाती है, आप भी चाहते हैं कि सामने वाला मुझे माफ कर दे, तो किसी से माफ करने से पहले, मांगने से पहले, हम जो खुद के लिए चाहते हैं वो हमें दूसरे को भी देना होगा। हम सोचते हैं कि हमें तो अपनी चीजों के लिए माफी मिल जाए, हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए, लेकिन हम तो नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पहले देना होगा तो ही आपको वो मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, हर चीज पे लागू होता है, चाहे वो माफी मांग फॉरगिवनेस का हो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड का हो, चाहे वो लव के लिए हो, हर चीज के लिए पहले आप देंगे तो आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, दोष दोगे तो दोष लगेगा। तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, कि हम बहुत बार, हर बार, ज्यादातर इस चीज में बहुत पूरी टाइम फंसे रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं अपने ही सर्कल में, यही रहता है,
उसके कारण ये हुआ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है उनके कारण, मेरे घर का सिचुएशन ऐसा है उसके वजह से मेरी जीवन खराब हो गई, तो हम हमेशा यही करते रहते हैं और फिर हम बोलते हैं मेरे तो जीवन में सबके कारण प्रॉब्लम है, मैं कितना सबके लिए करती हूँ लेकिन लोगों से मुझे कभी सराहना नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो रहती है, एक बार थम जाए, स्लो डाउन हो जाए और देखिए अपने विचारों को, उसे कॉन्शियसली ठीक करें, उसके ऊपर वर्क करें। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में अगर कुछ गलत है, सही नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया, पूरा जो जीवन है हमारा ही प्रतिबिंब है, हमारा ही मिरर है, सिर्फ चेहरे अलग है। बाहर किसी इंसान से, कोई सिचुएशन से आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो आपका ही मिरर कर रहा है। अगर बाहर मिरर में दाग दिख रही है आपको, आपको लग रहा है कि वहाँ पे दाग है, आप मिरर को कितना ही रगड़े साफ करे नहीं साफ होगा, दाग यहाँ लगा है, यहाँ साफ करना होगा। फ्रेंड्स, तो ये चीज हो सके अभी आपको समझ में ना आए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आ गए कि हम सोचते हैं कि कोई और बुरा बिहेव कर रहा है, इसका मेरे पे कैसे लागू होता है, मेरे अंदर क्या है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ, मैं तो इतना दान पुण्य करती हूँ। सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं फ्रेंड्स, अपने अंदर के एक्शंस पे भी फोकस करिए कि मैं सोच में भी किसके लिए क्या ख्याल रख रहा हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ अकेले में। बोला जाता था ना कि आप अकेले में भी कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सोच रहे। एक कहानी था, एक इंसान को एक बार कहा गया, वो उसको एक जानवर को उसको मारना था, तो वो एक महात्मा के पास गए, तो उसको बोले कि मुझे कोई ऐसा जगह नहीं मिल रहा है कि जहाँ मैं इसे अकेले में मारूं, या फिर कहाँ मारना चाहिए सही जगह। तो उस महात्मा ने कहा कि तुम जाओ और ऐसा जगह ढूंढो जहाँ तुम्हें कोई ना देखने वाला हो। तो वो जाता है, बहुत जगह ढूंढता है, फिर वापस आता है। उसके बाद बोला मैं कहीं पे भी चला जाओ, जो ईश्वर है वो तो हर जगह है, तो मैं कहाँ इसे मारूं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हर कण में, हर चीज में वो ईश्वर तत्व, ईश्वर कॉन्शियसनेस, चेतना हर जगह है, हर कण में है, हर इंसान में है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ईश्वर जिनको प्रेम करते हैं उनको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। ये बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। आपके घर में कौन सा चीज है जो आप सबसे रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, चमका के रखते हैं, बताइए। जो आपकी फेवरेट है ये तो हाँ रितेश जी बहुत अच्छा बोल रहे कि अपने चेहरा, यस। तो उस वो तो है ही, और उसके साथ साथ कोई चीज होता है, ये बहुत महंगी चीज है, ये तो वहां से उन्होंने मुझे गिफ्ट ला के दिया, या फिर कुछ होता है जो महंगी होती है, हम दिवाली वाली पे सिल्वर का बर्तन निकालते हैं, फिर उसे बहुत अच्छा से चमका चमका के वापस से पैक वैक करके रखते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये महंगी है, हमें बहुत पसंद है, दिल के करीब है, इसीलिए। तो इसी तरह ईश्वर जिनको प्रेम करते हैं उनको रगड़ रगड़ के साफ कर, इसका मतलब क्या है, कोई शेयर करेंगे? एनीवन, चैट बॉक्स में लिखिए। ईश्वर जिनको प्रेम करते हैं रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, कहने का मतलब अगर हम ध्यान समझ लीजिए, जिस चीज को भी एक एक संकल्प एक अगर हम उस पर काम करते हैं ना, तो रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि वो भी हमारा ख्याल रखने लग जाता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, सिंपल सी चीज, बेड से रोज रोज टकराते हैं, उसको वापस लात मारते थे, अब नहीं मारते हैं क्योंकि ध्यान चला गया। तो अब वो भी हम बचा के लेके चलते हैं। लगता है यही बात है कि मतलब अगर हम सच्चे मन से कुछ भी करते हैं ना, तो हमारे रास्ते की सारी बाधाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि साथ देने वाला हमारा अंदर का कॉन्शियस है, सुजागी है। मैं बोलूं? हाँ शकुंतला जी, ऐसा है जब अपन को तकलीफें आती है ना, यस, हम उनको जब हम टॉलरेट करते हैं, उसमें से निकलते हैं, वो हमें रगड़ रगड़ के भगवान साफ करता है उस समय। यस, ये हुई ना बात। तो यही जो शकुंतला जी ने कहा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सबकी लाइफ में ऐसा कुछ पल आते हैं
जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को महसूस कर रही थी, बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, कुछ हुआ मेरे लाइफ में, ऐसा हुआ कि जैसे कि रातों रात सब कुछ खत्म हो गया जीवन में। मैं ध्यान कर रही थी, मेडिटेशन में बैठी उस समय, तो मुझे मेडिटेशन में ध्यान में पूरा फील हुआ और ये चीज़ समझ में आया। उस समय मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था इन सब चीज़ों का कि उसने परखा, उसने समझा है कि मैं हीरा हूँ, तू हीरा है। इसलिए अभी वो कोयले की स्थिति चल रही है, जब कोयले को तराशा जा हीरा बनता है तो उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर में वो तपता है, तब जाके वो हीरा बनता है। तो ये तेरा कोयले वाला पीरियड चल रहा है और अपने आप को मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी कि उसने ये जाना है कि तुम हीरा है, इसीलिए ये समय, ये टाइम पीरियड तेरे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, उस एक एक्सपीरियंस के वजह से वो टाइम पीरियड मेरे कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। और अब मुझे लगता है कि वो जो टाइम पीरियड मेरे लाइफ में आया, मैंने उससे स्पिरिचुअलिटी को, जो ये किताबी बातें हैं, इसको मैंने जिया, जीवन में अपनाया। और अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बोल पा रही हूँ कि ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने जाना कि ये सब सिर्फ बातें नहीं, इसको अपना के आप सच में यहाँ तक आ सकते हो, आप इस स्थिति को पा सकते हो। तो ये सरेंडर, ये ट्रस्ट, ये ग्रेटफुलनेस कि हाँ, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको अगर ये समझ में आ जाए कि ये मुझे वो टाइम चल रहा है, कोयले वाली टाइम चल रहा है, और ये पूरी तरह से ट्रस्ट रखे, विश्वास रखे कि मैं हीरा बनने के लिए हीरा बन रहा हूँ, ये प्रोसेस चल रहा है और मैं हीरा हूँ, बस ये जो टाइम पीरियड है इसे हमें निकालना है। पूरा सरेंडर, पूरा ट्रस्ट। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का ये भी एक धारणा होती है, हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चैलेंजेस नहीं आएगी। आप सारे महात्मा लोगों का, सारे मास्टर्स का जीवन देखें, उनके जीवन में कितने चैलेंजेस। भगवान राम का देख लीजिए, अगर बहुत लोग बोलते हैं कि राम का जीवन को, राम को हम लोग पूछते हैं तो उनके 14 साल क्यों बनवास, उनका लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों, वो घर आए उनके बाद उनकी वाइफ से वो दूर रहे। भगवान श्री कृष्ण, उनके लाइफ में तो बाप रे, मतलब एकता कपूर के टीवी सीरियल के जैसे पूरा ट्रॉमा ड्रामा चलता रहा पूरा टाइम। कंस खत्म नहीं हुआ, दूसरा विलेन रेडी, फिर द्वारका, फिर उनका महाभारत, इतना कुछ। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है। जो वो होता है ना, भगवान ने जो बोला है ये बात कि दुख तो है ही नहीं, हम समझ ही नहीं पाते, अरे अब मेरे जीवन में इतना दुख और ये बोल रहे दुख तो है ही नहीं, ये तो फालतू की बात है भाई। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं मेरे लाइफ में जो भी दुख है, जो भी चैलेंजेस है, इससे मैं ग्रो कर रहा हूँ, इससे मैं ग्रो कर रही हूँ, इससे मुझे लेसन्स मिल रहे हैं, ये मेरे आत्मविकास के लिए एक क्या बोलते हैं ना, स्वर्णिम अवसर बन के आया है। तब वो दुख कैसा, वो चैलेंज कैसा, वो तो आपके लिए एक मौका बन के आया है। इसीलिए जिन्होंने इस चीज़ को रियलाइज किया, फील किया, उन्होंने यही बातें तब कह पाए कि दुख तो है ही नहीं, सफरिंग तो नहीं है। लास्टली जो है, बी स्टिल एंड नो यू आर गॉड। ये शब्द बहुत ही क्लियरली बाइबल में कहा गया है, मतलब एकदम शांत हो जाओ और जानो तुम ही परमात्मा हो, तुम ही भगवान हो। तो फ्रेंड्स, इस बात पे भी हमें रहते हैं, हम कैसे भगवान हो सकते हैं, हम कैसे गॉड हो सकते हैं। और जीसस का भी अगर आप सुनेंगे, हर जगह वो एक बात बोलते थे कि मैं परमात्मा का संतान हूँ, वो कभी नहीं ये बोलते थे कि मैं खुद ईश्वर हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, अभी लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। और आप देखेंगे, अगर उनके बात को भी अगर हम ले, एक बच्चा कब तक बच्चा है, जब तक वो डिपेंडेंसी उसके है, माँ बाप का उंगली पकड़ के चलना छोटा है नहीं, अभी धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है, एक दिन वो भी पेरेंट्स बनता है। जो आज उसके माँ बाप कर रहे हैं, कल को आगे जाके
वो भी वही करता है। तो ठीक इसी तरह, और हम सोचते हैं गॉड मतलब कोई ऐसा होगा जैसे कोई ड्रेस में होगा, कोई ऐसा होगा जो हमसे वैसे, एक्चुअली गॉड जो है ना ये नाम है, लेकिन ये एक चेतना की अवस्था है, ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को हम जब टैप करते हैं हम भी वही बन जाते हैं, उस स्थिति को हम भी पा लेते हैं। और यही इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम इवोल्यूशन में हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। आप सब अगर सोल जर्नी मेरा सुना होगा, समझा होगा कि हम कैसे कैसे चेतना स्वरूप इवॉल्व हुए हैं। तो अगर एक पत्थर को बोला जाए तुम तो इंसान बनने वाले हो आगे जाके, उसे लगेगा मैं इंसान कैसे, बिल्कुल नहीं। फिर हम प्लांट किंगडम में आए, प्लांट को बोला जाएगा तुम आगे जाके एनिमल बनने वाले हो, उसे लगेगा क्या बकवास बात है। ठीक इसी तरह, लेकिन ये इवोल्यूशन प्रोसेस चलती आ रही है और चलती चली जा रही है और चलती चली जाएगी अनंत तक। तो हम इंसान है, इंसान से आगे हमें अब इवोल्यूशन में आगे बढ़ना है, अपनी सोच को, विचार को, अपनी ऊर्जा क्षेत्र को। यही है वो चैतन्य जिसे हम बोलते हैं क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, गॉड, यूनिवर्स, भगवान, जो भी नाम दे। तो फ्रेंड्स शांत होना है और हमें जानना है कि हम ही भगवान हैं। हाँ जी जी एकदम। तो इसके लिए हमें स्वाध्याय बहुत जरूरी है रितेश जी, तब हम समझ सकेंगे, इस चीज को ओन कर सकेंगे कि हमारे जीवन में जो भी चीज चल रही है वो सब हमने ही चॉइस लिया है, हमने ही चुना है। और क्यों चुना है, क्योंकि जो सोल लेवल पे जितना ज्यादा इवॉल्व है वो उतना ज्यादा चैलेंजेस लेकर आएगा। आप मान लीजिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आपको अगर छोटा मोटा गेम दिया जाएगा आपको मजा नहीं आएगा, आप बोलेंगे मुझे तो ज्यादा, जैसे हम लोग बचपन में वो खेलते थे ना मारियो, तो आपको देखेंगे जब जैसे जैसे आप स्टेजेस पार करने लग जाते हैं, फर्स्ट स्टेज में आपको मजा नहीं आता है, सेकेंड स्टेज में आपको मजा नहीं आता, आप डायरेक्ट बोलते काश इस गेम में और हार्ड स्टेजेस होते हैं, और स्टेजेस होते हैं और मजा आता। ठीक इसी तरह आप भी जब सोल लेवल पे चूज करके आते हैं, हम सब बोलते और ज्यादा मेरे लाइफ में ट्रामा ड्रामा दो और मसाले दो, ताकि मैं फटाफट अपना इवोल्यूशन करके फटाफट एक ही लाइफ में मैं सब कुछ लर्निंग ले लूं, इवॉल्व हो जाऊं और फटाफट आके आगे की यात्रा करूं, क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं। लेकिन यहाँ आने के बाद भूल गए आप, इसके ऊपर मेरा एक है अर्थ इज आवर स्कूल, आप वो सुन लीजिएगा, उसमें और समझ में आ जाएगी आपको। प्लस अ सोल्स जर्नी बुक के ऊपर है सेशन, तो आपको क्लियरिटी आएगी कि कैसे हम चॉइस करके आते हैं और फिर हम इन सब माया में और इसमें हम खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम क्यों आए थे, क्या हमारा पर्पज़ है। जब एक बार जान जाते हैं, जैसे कि मैंने ये गेम बनाया, मान लीजिए एक वीडियो गेम बनाने वाला वो क्या करता, वो एक मूवी आया था ना रावण शाहरुख खान का, उसने अपने ही जैसा एक कैरेक्टर बनाया उस गेम में, है ना, और उस गेम में उस कैरेक्टर में अपनी जैसी पावर्स भी दे दी। ठीक इसी तरह हम जो हैं, हम ये जो शरीर स्वरूप में हम अपने एक चेतना का अंश को इसमें हम आए कि मनुष्य शरीर को हमें एक्सपीरियंस करना है। अब ये जो ऊपर से जो बना है गेम में उस, वो तो सब देख रहा है गेम में हम हैं, लेकिन जो गेम में जो हम खेल रहे हैं, शायद इस बात को मैं समझा पाऊँ आप लोगों को, जब मैं गेम की कैरेक्टर मैंने ही बनाया है, और हम ज्यादातर अपने ही छवि को बनाते हैं, जैसे उसमें दिखाया शाहरुख खान ने अपना ही चेहरा, अपना ही उसको बनाया, तो इसीलिए बोलते हैं ना हम तो भगवान स्वरूप है, मतलब भगवान ने अगर हमें बनाया है तो वो भी ऐसा ही है, इसीलिए वो बनाया। तो गेम में उस कैरेक्टर को हमने बनाया और हम कोशिश करते हैं कि उस कैरेक्टर में हम जितना दे सके सब कुछ दे। अब वो जो कैरेक्टर है, वो जो गेम खेल रहा है, वो भूल गया है अपना स्वरूप को, कि वो तो जो ऊपर गेम खेल रहा है कंट्रोल कर रहा है, और वो सोच रहा है मेरे लाइफ में इतने क्या, कभी भी कोई ड्रैगन आ रहा है मुंह से आग फेंक दे रहा है, कभी पत्थर आ रहा है, कभी ऊपर से बम फेंका जा रहा है। तो यही है हमारी भी लाइफ, जब हम समझते हैं
एक मूवी से ज्यादा कुछ नहीं, एक गेम से ज्यादा कुछ नहीं, और जिसको लेके सही में हम बहुत सीरियस रहते हैं, और सीरियस है लेकिन जब समझ जाते हैं, इसी अवस्था को देखते हैं ना, जो गौतम बुद्ध है, जीसस है, जीसस की लाइफ से, एक मास्टर के जीवन से हम पढ़ के नहीं, उनको देख के भी हम टीचिंग ले सकते हैं। जीसस को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बात को कहा था कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो जो धर्म गुरु थे वो लोग समझ गए कि हमारा तो धंधा खराब हो जाएगा भाई, हम लोग लोगों को डरा के ये करके वो करके कि ये करो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, वो करो ये कर करके हमारा बिजनेस चल रहा है, और ये तो हमारा बिजनेस खराब कर देगा, लोगों को जो डराने का बिजनेस इसे बोला जाता है। तो उनको सूली पे चढ़ाया गया। अब वो जिस समय सूली पे चढ़ा रहे थे, वो उस समय भी परमात्मा को क्या बोल रहे थे? इन्हें माफ करना, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या करने जा रहे हैं। उन्हें ये पता चल रहा था, और ये उस समय भी वो जागरूक थे, उस समय भी उन्होंने अपना जागरूकता नहीं ड्रॉप किया था, उस समय भी वो जागरूक थे कि मैं उस अवस्था में हूँ, मैंने उस स्थिति को पाया है, लेकिन ये अभी भी सोए हुए हैं ये लोग, इसीलिए इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उन्होंने उस समय भी बार बार एक ही बात कर, इन्हें माफ करना, क्योंकि इन्होंने अभी तक उस चीज को उनको नहीं पता कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ा सा, बहुत अथाह है लेकिन थोड़ा सा समझने का कोशिश किए कि मास्टर जीसस अपने शब्दों से, अपनी बातों से हमें क्या बताना चाहते हैं। और ये सिर्फ जीसस का नहीं, हर आत्मज्ञानी की बातें हैं, हर मास्टर्स यही बताना चाहते हैं हमें। सबकी बताने की ढंग अलग अलग होती है, एक्सप्रेशन अलग अलग होती है, बातें वही है, बस बार बार एक ही बात को इसीलिए आप लोगों को घुमा फिरा के बताया जाता, पता नहीं कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए, पता नहीं कौन सी बात आप पकड़ ले और आपका जीवन बदल जाए। यस फ्रेंड्स, किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग छोटा सा ध्यान करेंगे। किसी को भी कुछ बात करनी है तो प्लीज हैंड रेज करिए, कोई भी तरह का कुछ बात, कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी है तो, कोई शेयरिंग, क्या समझ में आया, कौन सा पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा, कौन सा चीज आप लोगों को लगा कि हाँ आज आप लोगों ने इतनी सारी टीचिंग सुना। थैंक यू रितेश जी। कौन सा वो चीज है जो आज आप लेके जाने वाले हैं इस सेशन से? रूप जी, आपने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करके, और इतना कंटिन्यूस में देख रही हूँ, एक पौना घंटा हो गया आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से बोला। मेन चीज यही सीखी कि लोहा कब कब के सोना बनता है, और जितने भी मास्टर्स हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, उनका मेन मुद्दा एक ही रहता है, उनका बताने का अलग अलग तरीका है, तो हमें तो बस अच्छी चीजें सबकी एक्सेप्ट करनी है। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया। कभी भी कोई तकलीफ आती है ना, तो वो अपन को उसके साथ यही सोचना चाहिए, मुझे कुछ सीखने को ही मिला है। यही है, हमें देखना है कि उसमें क्या लर्निंग्स है। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू सो मच जी। मैं यही चाहती हूँ कि मैं बहुत सरल शब्दों में आप लोगों तक चीजें पहुंचा सकूं। हेमा जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? दीदी, मुझे एक बात अच्छी लगी कि प्रभु जी जिनसे प्रेम करते हैं उनको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, वो बहुत अच्छा लगा संकेत कि ये बात तो एकदम फैक्ट है, जहाँ प्रभु अपने को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं वहां पे वो अपनी हर टाइम पे एग्जाम्स लेते हैं, और उसमें अपन जैसे अपने को अंदर से फीलिंग आ जाती है कि सच में अपने प्रभु का ही आशीर्वाद है, वो लाइन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हेमा जी, पर होता क्या है, जब भी वो हमारी ऐसे परीक्षा लेता है ना, तो हम तो यही बोलते हैं, अरे मेरे साथ क्यों तकलीफ होती है, नहीं दीदी मैं होता है, उस समय ये भूल जाते हैं अपन। नहीं नहीं दीदी, मेरे अंदर ये चीज नहीं आई अभी तक, और हमेशा जैसे मुझे उनका आशीर्वाद मिला है और आगे से आगे मुझे मिलता रहता है। हाँ, इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने जो भी अपने साथ आ रहा है ना, उसको अपन सहज भाव से एक्सेप्ट करके करेंगे तो वो सहज में कट जाएगा।
निकल भी सहज में जाएगा, अपने और टाइमिंग नहीं बंधेंगे मतलब। यस दीदी सही बात, आशीर्वाद भी हमें तभी मिलती है, आशीर्वाद कौन देता है शर्मा जी, आशीर्वाद देने वाला, आशीर्वाद देने वाला और बद्दुआ देने वाला बाहर कोई नहीं है, अपने अंदर ही, अपने अंदर ही है, अपनी सोच, आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी बिलीफ आपके लाइफ में दुआ बद्दुआ बन के आती है। अगर आपकी लाइफ आपके लिए कुछ भी कहीं पे भी कोई भी एरिया पे बद्दुआ है, आपको देखना है कि मुझे अपने उस एरिया को कैसे हील करना है, कैसे उसके ऊपर ठीक करना है, पूरी तरह से अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सबसे पहला बात मैं आप सबको बार बार यही बोलती हूँ, जब तक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे कि मेरा जीवन का रचयिता मैं हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, उसके बाद आप स्टेप्स ले कि आपको क्या लेना है, क्या रास्ता अपनाना है, किस तरह से उससे बाहर आना है। देखें मैं जीवन में कहाँ कहाँ शिकायत कर रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपने वाइब्रेशन को लो कर रही हूँ, कहाँ कहाँ एनर्जी ड्रेन कर रही हूँ। तो बाहरी चीजें जो कुछ भी है सब सेकेंडरी है, सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पे, अपने बिलीफ पे काम करना है, और वो ही होगा वो जड़ से हीलिंग, जड़ से हीलिंग जो दोबारा नहीं आएगा। यस थैंक यू। हाँ। आपकी हर बात में एक बात होती है, पता है, हर लेसन आपका बहुत जुड़ा है, मतलब आज जितने भी स्टेप्स आपने बताए हैं जीजस के, एक से एक एंटिक है, मतलब सुने हुए नहीं थे और कुछ सुने हुए थे जो मेडिटेशन से रिलेटेड है। तो जैसे आपने बोला ना कि दोष दोगे तो दोष लगेगा, तो हमेशा कभी ये चीज ध्यान नहीं दिए, हमेशा सुनते थे एक अंगली सामने वाली तरफ, तीन अंगली अपनी तरफ, मगर फिर भी करे जाते थे। मगर ध्यान में आके पता पड़ा कि अगर हम किसी को दोष दे रहे हैं तो वो मेरे अंदर चल रहा है, मेरे अंदर वो कमले है, इसलिए मुझे सामने नजर आ रहा है, फिर सोच बदल गई। यही बात है दीदी, आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है, आप लोगों का सपोर्ट है, और मैंने एफर्ट्स भी बहुत सारे दिए है। मार्च से अप्रैल से मैं जुड़ी थी आप लोगों से, तब से अभी तक कंटिन्यू कर रही है, तो उसी का फायदा है ये सब। और मैंने, आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत काम किया, सबके ऊपर किया है, पर मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को लेके अपने आप को बदला है और बहुत सारा चेंजेस आया, इसलिए दिल से आप लोगों को सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने बस जो हमें मिला है वो शेयर कर रहे हैं, और एक ही इच्छा है कि हमें जो खजाने मिले हैं वो सबको मिले, और जो सही में वही चीज जो मास्टर जीसस का था कि जो सच में उस चीज को पाने के लिए जो वो तड़प जिसके अंदर होगी, जो मुमुक्ष होगा उसे जरूर मिलेगा, उसे वो जो साम्राज्य है जरूर मिलेगा। तो ठीक आपकी ही वो क्या बोलते हैं ना, डेडिकेशन है, जो हर दिन ध्यान करना, हर दिन चीजों को समझना, स्वाध्याय करना, आप जो भी ग्रो कर रहे हैं आपके अपनी वजह से। थैंक यू हेमा जी। यस थैंक यू हेमा जी। यस कमिश्नर जी आप नमस्ते। नमस्ते कमिश्नर। क्या हो गया, आप जैसा चालू किया ना तो हमको एक अर्जेंट कॉल आ गया, I was busy with that, अपना गांव से कॉल आया तो अटेंड करना पड़ा, so I could not attend this your lecture actually. I came at the last moment. कोई बात नहीं, आप YouTube पे बराबर देख लेंगे। हाँ, और उसमें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा था, क्या था। हाँ, yeah, I will see that and thank you. Enjoy it. बट आपका लेक्चर अच्छा ही होता है, तो आप स्टडी भी करके आते हैं, अच्छा है, तो इट मस्ट बी अ गुड रियल वन। थैंक यू वेरी मच। अदर्स मैं आपका मैं सुन रहा था, दूसरों से अच्छा ही है, कॉलम का भी रिपोर्ट तो अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बात करनी है? चलिए एक छोटा सा ध्यान कर लेते हम लोग। मैं म्यूजिक आप ही लगा लूं। सभी कोई अपनी आंखें बंद कर ले, कोमलता से आराम से चश्मे उतार दे, दोनों हाथों को क्रॉस करे, दोनों
हाथों को अपने आराम से अपने लैप पे रखें कुछ देर के लिए। हम आज का इस सुंदर ऊर्जा को अपने अंदर लेंगे, ऊर्जा से भरेंगे। आज बहुत सुंदर दिन है, कोई केक काट के सेलिब्रेशन करता है, कोई ट्री लगा के सेलिब्रेशन करता है। हम दूसरे को उसके बर्थडे में या तो अपनी चॉइस की चीजें देते हैं, या तो अगर हम समझ सकते हैं सामने वाले को क्या पसंद है, उसकी पसंद की चीज उसे गिफ्ट करते हैं। टीचिंग से हमने जाना समझा, मास्टर जीसस सिर्फ यही चाहते हैं कि हम स्व अनुभव करें। अपने आप को जाने सेल्फ रियलाइजेशन, और यही उनके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है हमारी तरफ से। हम मास्टर जीसस के चेतना से जुड़ेंगे, जीसस कॉन्शियसनेस पूरी तरह से सरेंडर, लॉजिकल माइंड को पूरी तरह से अपने आप से अलग रखें। मास्टर जीसस की चेतना, उनकी चेतना और हमारी चेतना एक हो रही है। जीसस की चेतना के साथ हम पूरा ग्रुप एक साथ ध्यान में बैठे हैं। उनकी कही हुई बातों को जीवन में उतारेंगे। शांत हो जाओ और जानो तुम ही हो वो परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स। अगर हम ही परमात्मा हैं फिर
फिर बाहर कोई भी नहीं जो हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन में चमत्कार ले आए। आपकी चाह, आपकी इच्छा आपको, आपके जीवन को बदल सकती है, दूसरा कोई भी नहीं। प्रभु के मंदिर में बार बार जाना है। मंदिर मतलब मन के अंदर। सांसों के साथ जुड़ेंगे, अपने मन के अंदर जाएंगे, वही तो है वो परमात्मा। हमारे जीवन में चमत्कार भी तब होती है जब हम किसी चीज पे, किसी पे इतना विश्वास करते हैं। आपके विश्वास से चमत्कार होती है। बाहरी किसी इंसान की प्रेजेंस या बाहर की कोई भी चीजों से नहीं, ना कोई ज्योतिष, ना कोई अंगूठियां, ना कोई चीजें, ना कोई ग्रह नक्षत्र, किसी भी चीजों के इतनी पावर नहीं है। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बाहर की चीजें आपके लिए है। आप उन सब में सर्वश्रेष्ठ है। एक राजा अपनी प्रजा पे, अपने सैनिक पे, पूरे राज्य पे प्रभाव डाल सकती है। कैसे बाहर की सेना, बाहर की सेनापति, राज्य वाले एक राजा को पे कैसे डाल सकते हैं? जब राजा ये मान ले कि ये लोग मेरे पे प्रभाव डालते हैं तो ही ऐसा हो सकता है। लेकिन राजा अपना पावर को ले ले, जान जाए, इसे पूरी तरह से ओन करे कि मैं ही राजा हूँ, मेरा सब सुनेंगे, मैं क्यों सबका सुनूं? बाहर की कोई भी चीजें उस दिन, उस पल से आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। अपनी दिव्यता को जानना, अपने असली स्वरूप का रियलाइजेशन, यही तो है राजा बनना।
कितने जन्मों से, कितने सारे बिलीफ हम लोगों ने एक एक परत के रूप में अपने ऊपर चढ़ा रखे हैं, कितनी सारी मान्यताएं उस प्रकाश के ऊपर, अंधेरे की कितनी सारी चादरें हमने ओढ़ी हुई है। समय आ चुका है इन सारे चादरों को, डार्कनेस को अपने से अलग करना है। प्रकाश कहीं बाहर से नहीं, आपको अपने अंदर ही मिलेगी। आपको उस दिव्य प्रकाश के रूप में देखे, जो प्रकाश आप किसी और में देखते हैं, कहीं बाहर ढूंढते हैं, आपको लगता है उनकी प्रकाश सर्वश्रेष्ठ है, उसी श्रेष्ठता को, उस दिव्यता को अपने आप में देखें, महसूस करें। लास्ट मिनट प्रेयर को बंद आंखों से सुने।
सुंदर प्रार्थना के साथ हम सब शांति दूत बने, जहाँ जाएं पहले उस शांति में खुद स्थापित हो और फिर जहाँ जाएं वो रेडिएट करे। इस सुंदर भाव के साथ, इस सुंदर फीलिंग के साथ धीरे से प्यार से अपने हाथों को आंखों पे रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे रखते हुए ऊर्जा को पूरी तरह से इंटीग्रेट करते हुए हम सब मिलके जोरदार क्लैप करके इस ऊर्जा को फैलाएंगे। आज इस क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करेंगे ध्यान ज्ञान के इस सेशन को एंड करते हुए। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग एक बार अपने आप के लिए और इस क्रिसमस के सुंदर ध्यान के लिए, जीसस के बारे में जो जितनी नॉलेज मिली हम सभी और रूप जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू टू, लव लव यू ऑल, सबके लिए लव, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू।